नमस्कार, आप सभी का एजुकेटिव हब पर स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वास्थ्य गुदोली आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नई सीरीज के साथ चल रहे हैं जो कि है CHO MPCHO। MPCHO का सिलेबस संचालनालय आयुष द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार 10 सेक्शंस बनाए गए हैं और 10 सेक्शंस में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे हमारे, पर सेक्शन 10 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शंस के डिविजन्स के साथ साथ चलना है। तो पहला सेक्शन जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का मिक्सअप है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को मिक्स करके 10 क्वेश्चन रिपीटेड होना है, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों के जनरल टॉपिक्स की बात की गई है। फिर उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी, फिर रीजनल एनाटॉमी जो बीडीसी का डिवीजन है, जिसमें अलग अलग डिवीजन दिए हैं। बीडीसी चार डिवीजन में बीडीसी हमको अवेलेबल है, हेड एंड नेक एक पार्ट, ब्रेन दूसरा पार्ट, थोरेक्स एंड अपर लिम्ब एक पार्ट, और एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब अदर पार्ट। चार एडिशंस है। पहला जो वॉल्यूम है वो थोरेक्स एंड अपर लिम्ब है, दूसरा वॉल्यूम जो है वो क्या है, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, तीसरा वॉल्यूम है हेड नेक, चौथा है ब्रेन। चार वॉल्यूम में बीडी चौरसिया जो बुक है वो रिसेंबल है। एम्ब्रायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी प्रोसेसेस देख सकते हैं, जैसे स्पर्मेटोलॉजी, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस, जर्म लेयर का फॉर्मेशन, प्लेसेंटल डेवलपमेंट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्राइटेरिया, डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम है उनका सबका डेवलपमेंट, और बॉडी कैविटीज का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एनाटॉमीज। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी एनाटॉमी हमको देखना है। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, ट्रैक्ट्स क्या है, पेरिफेरल नर्व्स ट्रैक्ट क्या है, पेरिफेरल नर्व्स क्या है, क्रैनियल नर्व्स क्या है, इनके कोर्सेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमको देख के चलना है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम बात करें तो फिनोमेना ऑफ लाइफ, सेल के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बायोकेमिकल प्रोसीजर्स भी इसी में अप्लाई करना, बायोकेमिस्ट्री इसी के अंदर है। तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनके सब के डाइजेशन वगैरह, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। फिर उसके बाद स्किन से रिलेटेड कुटेनियस पार्ट, स्किन एंड रीनल फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, स्किन से रिलेटेड कुटेनियस पार्ट, स्किन के स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, स्वेट ग्लैंड, उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सारी बातें चलेंगी। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड भी थोड़ा हमको जानकारी आवश्यक है। मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो एक्सट्रीमिटीज वाला पार्ट है, मसल फिजियोलॉजी जो है, नर्व मसल फिजियोलॉजी, इसमें हमको मसल, सिंपल मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमको देखना है, एक्साइटेशन, कंस्ट्रक्शन, कपलिंग प्रोसेस, मतलब कैसे स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज है, कैसे वो मसल कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है वो। इसके बाद की बात करती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड दोनों हमको पढ़ना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ब्लड क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, WBC, RBC, ब्लड सेल्स, सारे ब्लड कॉर्पसल्स का डिवाइडेशन, इसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, प्लाज्मा प्रोटीन। आगे बढ़ते चलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हार्ट के साथ साथ जो कार्डियक सेल है, कार्डियक मसल है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, नॉर्मल ECG, एबनॉर्मल ECG, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, पल्स, ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक ग्लैंड्स, वेसल, इन सब के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया, इन सब से रिलेटेड बात करना है हमको। फिर उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कुछ एबनॉर्मलिटीज, एपनिया वगैरह। फिर उसके बाद चलते हैं सीधा सीधा डाइजेस्ट सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम में जो भी रूट है पूरा ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ से लेके इसोफेगस, स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ ग्लैंड्स, सलाइबरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लिवर, इन सब के क्राइटेरियाज, इन सब से सीक्रेट होने वाले जूस, GI मूवमेंट्स,
फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ अदर जो हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात हमने कर ली। किडनी से रिलेटेड बात, रीनल फिजियोलॉजी की बात की गई, तो किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फंक्शन, और कॉमन एबनॉर्मल क्वालिटीज, जो यूरिन का कैसे बनता है, यूरिन का कंसंट्रेशन, रीनल फंक्शन टेस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और रीनल फंक्शन टेस्ट। एंडोक्राइन में एंडोक्राइनल ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, पैनक्रियाज, एडिनल, एडिनल मेडुला, हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन जो आगे जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एग्जैक्ट रिलीजेशन नहीं है लेकिन कुछ स्टोरेज है जो आगे बॉडी पर काम करने वाले। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल जेनाइटल, फीमेल जेनाइटल, नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स, ब्रेन का स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमस, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, स्पेशल सेंसेस में टेस्ट, आई, ईयर, स्मेल, टच। ये तो हुआ हमारा क्या एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी एक यूनिट, ये 10 नंबर की थी। दूसरी यूनिट की जब हम बात करते हैं तो दूसरी यूनिट हमारी किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का क्लियर कट क्राइटेरिया लिखा है कि एंशियंट जो हिस्ट्री चल रही, हिस्ट्री में क्या चाइनीज मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन, आयुर्वेदा, हिंदू मेडिसिन, अदर मेडिसिन से जो डेवलपमेंट हुआ, पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, यानी कि लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल, डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी एंशियंट टाइम से ही जो चल रहा है वो इंडिया में, यूएसए में, यूरोपियन में, अदर कंट्रीज में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज, लॉजिक, इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक, पूरा एफरिज्म 1294 विथ द रिलेशन विथ, या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू 5th and 6th एडिशन के अकॉर्डिंग, दोनों एडिशन का कंपाइलेशन जो है उसके अनुसार हमको देखना है। होम्योपैथिक प्रोफाइल एक्सेस, होम्योपैथिक फिलोसफीज, स्पेशली जेटी कैंट, क्लोज एंड रॉबर्ट, सिम्टोमेटोलॉजी, एनालिसिस ऑफ सिम्टम, इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स, म्यायलमेटिक डायग्नोसिस, टोटलिटी ऑफ सिम्टम और क्रॉनिक डिसीजेस का क्राइटेरिया। इसके बाद पैथोलॉजी और मेडिसिन। पैथोलॉजी और मेडिसिन की बात करते हैं तो पैथोलॉजी और मेडिसिन में थोड़े से क्राइटेरिया बढ़ते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी और मेडिसिन एक लार्ज टास्क है। एक अगर हम केवल पैथोलॉजी से रिलेट करके चलें तो पैथोलॉजी में ही बहुत डाटा है, और एग्जैक्टली जनरल पैथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, सेल इंजरी, सेल एडाप्टेशन, इन्फ्लामेशन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इडीमा, डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, इस्टेमिया, हीमरेज, शॉक, एट्रोपी, रीजनरेशन, इन्फेक्शन, पायरेक्सिया, नेक्रोसिस, गैंग्री, इन्फेक्शन, एमलोडोसिस, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिडोसिस, डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन, न्यूप्लाजिया, कैल्सिफिकेशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये जनरल पैथोलॉजी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बहुत सारी डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, मेटाबॉलिक न्यूट्रिशनल डिसीजेस, मेल जेनाइटल, फीमेल जेनाइटल, किडनी, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, GI डिसीजेस, पैनक्रियास, लिवर से रिलेटेड डिसीजेस, एंडोक्राइन डिसीजेस, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीज, इन सब के बोथ क्राइटेरियाज एंड ब्लड, इनके बोथ क्राइटेरियाज, मतलब पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एस्पेक्ट, मतलब इनका मैनेजमेंट के साथ इनको हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं केवल हमने डिसीज का कॉज पढ़ लिया, कैसे हुआ, इडियोपैथोलॉजी के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और इसको मैनेज कैसे करना है, इसके साथ कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फंजाई, पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी, ये सारे क्राइटेरिया। इसके साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिट बाय यूनिट टेंडेंसी चलती चलेंगी, और होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका का क्राइटेरिया बढ़ेगा। होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में जब हम चलेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट, मटेरियल मेडिका के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको लेके हमको चलना है। और स्पेशल एक चीज और है कि जनरल मटेरियल मेडिका वाला क्राइटेरिया, पूरा जनरल टॉपिक जो मटेरियल मेडिका से, सोर्सेस, नेचर, स्कोप, डिफरेंट बेस स्टडी मटेरियल मेडिका, कंपैरेटिव स्टडी,
अप्लाइड मटेरियल मेडिकल एस्पेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मेडिका, सोर्सेस, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नो सूट, सार कोड ये पढ़ना है, साथ में एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स अप्रोक्सीमेटली टोटल 248 to 249 to 250 के आसपास ड्रग्स है फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। ड्रग्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी जैसे आप फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सिलेबस उठाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स BHMS का, आपको डाटा सारा अवेलेबल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 5, ये सेक्शन भी 5-10 नंबर का सेक्शन है हमारे पास। और एक चीज और याद रखना है, यहां पर ग्रुप भी पढ़ना है मटेरियल मेडिकल के अंदर, हमको ग्रुप नहीं छोड़ के चलना, 12 ग्रुप हमको स्टडी करना है। अब चलते हैं फार्मेसी। फार्मेसी का जो क्राइटेरिया है वो जनरल इंट्रोडक्शन फार्मेसी को रिलेटेड, फार्माकोपिया की सारे क्राइटेरिया, फार्माकोपिया की ओरिजिनलिटी, स्कोप ऑफ फार्मेसी, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड, मटेरियल मेडिका से रिलेशन, रिपर्टी से रिलेशन, नेशनल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से रिलेशन, फिर उसके बाद वेट एंड मेजरमेंट ऑफ होम्योपैथिक स्केल्स कॉमनली यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, मदर टिंक्चर, फार्माक्यूटिक्स क्राइटेरिया, मदर टिंक्चर, उसका प्रिपरेशन, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, पोसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन, फार्माकोनॉमी, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ड्रग रिएक्शन, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनामिक, ड्रग प्रूविंग, मेरिट डिमेरिट ऑफ ड्रग प्रूविंग्स, फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी और उसके फंक्शंस एंड एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल और लीगलाइजेशन ऑफ रिलेटेड टू होम्योपैथिक फार्मेसी। फिर उसके बाद आते हैं हम रिपर्टोरियल एस्पेक्ट पर। तो रिपर्टोरियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो रिपर्टोरियल जो एस्पेक्ट है उसमें स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी, डिफरेंट रिपर्टरीज, मेनली 3 रिपर्टरीज का डिफरेंशिएशन, कैंट, बोनिंग, हसन, बोगर, इनकी हिस्ट्री, फिलोसफिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपर्टराइजेशन, अडेप्टेबिलिटी, स्कोप, लिमिटेशन, मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिपर्टराइजेशन, स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, टर्म्स एंड लैंग्वेज, क्रॉस रेफरेंस, अदर रिपर्टरीज, कन्वर्सेशनल एस्पेक्ट, ये सारे क्राइटेरिया। और फिर अदर एस्पेक्ट में आए मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिपर्टराइजेशन, स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, लैंग्वेज ऑफ रिपर्टराइजेशन, ये सारे एस्पेक्ट और रिपर्टरी का रिलेशन ऑर्गेनन ऑफ और मटेरिया से, ये भी क्राइटेरिया हमको लेके चलना है। सिम्टम्स का कैसे रूब्रिक्स में कन्वर्जेशन होता है, कौन सी रिपर्टरी का हम यूज कर रहे हैं, रिपर्टरी का रिलेटिव क्राइटेरिया और अदर कुछ रिपर्टरीज जैसे कॉन्कोडेंस रिपर्टरी, क्लिनिकल रिपर्टरीज, रीजनल रिपर्टरीज, कंप्यूटर रिपर्टरीज और कुछ सॉफ्टवेयर वाला क्राइटेरिया। फिर उसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल इथिक्स, ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल यूएल एक्ट्स, पर्सनल इन आइडेंटिफिकेशन, डेथ एंड इट्स मेडिकल इक्वल इम्पोर्टेंस, इंजुरी और उसके मेडिकल इक्वल इम्पोर्टेंस, फॉरेंसिक साइकेट्री, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, इम्पोटेंसी, स्टरिलिटी, वर्जिनिटी, डिवोर्शन, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इन्फेंटिसाइड, सेक्सुअल ऑफेंस, जनरल एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी और लीगलाइजेशन जो मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड है। गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल क्राइटेरिया, देखो कोई भी टॉपिक छोड़ के चलना नहीं है, लगभग सारे जो क्राइटेरिया हैं वो कवर अप करके चलना पड़ेंगे। जब गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल क्राइटेरिया को देख के चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिकल क्राइटेरिया को लेके गायनी से रिलेटेड टॉपिक्स और ऑफ से रिलेटेड टॉपिक्स दोनों को कोरिलेट करना है, मेन एस्पेक्ट जो है हमारा वो कोरिलेशन है, क्योंकि गायनी के टॉपिक और ऑफ्स के टॉपिक थोड़े से डिफरेंट होते हैं। गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट,
अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोसिस, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, डिस्प्लेसमेंट, सेक्स, इंटरसेक्सुअलिटी, इन्फेक्शंस, अल्सरेशन रिलेटेड फीमेल जेनाइटल डिसऑर्डर्स, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यूटराइन डिस्प्लेसमेंट, इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन, ट्रॉमेटिक रीजन्स, मेलिग्नेंसी। फिर उसके बाद आता है कुछ फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ऑब्स्टेट्रिक क्राइटेरिया चालू हो गए, डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, फीटस, प्रेगनेंसी के इन्वेस्टिगेशन, लेबर, प्रीटर्म लेबर, एंटीनेटल केयर, पोस्ट मैच्योरिटी, लेबर के क्राइटेरियाज, पोस्ट नेटल एंड प्यूपरल केयर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, हाई रिस्क लेबर, माल पोजीशंस, माल प्रेजेंटेशन, ट्विंस, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूटरस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इंजरीज ऑफ बर्थ कैनाल, फीटल एनोमलीज, एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज, एबॉर्शन, मोलर प्रेगनेंसीज, डिसीज ऑफ बर्थ, डिसीज ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स, आरएच नेगेटिव वुमेन, एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस, इंट्रायूटराइन फीटल डेथ, स्टिलबर्थ, कॉमन डिसऑर्डर जो सिस्टमेटिक एसोसिएशन के साथ देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेशंस, प्रेगनेंसी, क्रिमिनल ऑफेंस और एबॉर्शन, सीजेरियन सेक्शन, इप्सियोटोमी, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर, डायनेमिक एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्सेप्शन, पॉपुलेशन डायनेमिक एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेंट केयर, न्यूनेटल हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड, एस्फिक्जिया, बर्थ इंजरीज, कॉमन डिसऑर्डर्स, न्यूबॉर्न, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट इन ऑब्स्टेट्रिक्स। फिर अगला आता सेक्शन है कम्युनिटी। कम्युनिटी में मैन एंड मेडिसिन, न्यूट्रिशनल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, वाटर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक डिसऑर्डर्स, एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया, बायोस्टेटिक्स, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे क्राइटेरिया। फिर इसके बाद बचता है हमारा सर्जिकल एस्पेक्ट। तो सर्जिकल आखिरी जो यूनिट है हमारी वो है सर्जरी। सर्जरी में बेसिक जनरल सर्जिकल फीचर्स जो है इंट्रोडक्शन और सर्जिकल प्रिंसिपल्स है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, हीमोरेज, हीमोस्टेसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जनरल सर्जरी वाले टॉपिक्स, बॉयल, एब्सिस, कार्बंकल, सेलुलाइटिस, एरिसिप्लास, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, सिस्ट, अल्सर, साइनस एंड फिस्टुला, इंजरी रिलेटेड वेरियस टाइप्स, जो प्रिमिलरी मैनेजमेंट है हेयर इंजरी, बोन टिश्यू रिपेयर, स्कार, बोन डीलिंग, कुछ स्पेशल इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्टिनोमाइकोसिस, लेप्रोसी, वर्न, सॉग, न्यूट्रिशन, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लेबर स्प्लीन, गॉलब्लैडर से और बाइल जूस से रिलेटेड, बाइल डक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड, अम्ब्लाइकस, हर्नियास, हार्ट एंड पेरिकार्डियम रिलेटेड डिसीजेस, यूरोजेनाइटल सिस्टम की डिसीजेस, बोन्स, क्रेनियम, वर्टेब्रल कॉलम से रिलेटेड डिसीजेस, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, डिसीज ऑफ जॉइंट्स, डिसीज ऑफ मसल्स, टेंडन, डिसीज ऑफ ईयर, डिसीज ऑफ नोज, थ्रॉट एंड आइस। ये जो सारे 10 यूनिट हुई, 10 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पेपर में आने हैं और ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आएगा और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मस्ट है, लेफ्ट आउट नहीं करना है। तो ये था सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो एक सेक्शन पर एक वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये पूरी सीरीज में एक एक वीडियो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टर्म्स, एक एक वीडियो एक एक सेक्शन से आपके पास अवेलेबल होगी। अगली वीडियोस आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएंगी। धन्यवाद।